पांच ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जो जिंदगी के हर कदम पर आपके काम आने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मस्ट वॉच वीडियो है, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बताया गया है कि आप क्या चीज ऐसी करें जिससे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। अगर आप किसी के साथ कुछ डील कर रहे हैं या किसी के साथ आप इंगेज हैं तो क्या साइकोलॉजी आप यूज करें जिससे सामने वाले पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़े दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, वीडियो को पूरी देखिएगा। आपका मेजबान तौकीर हुसैन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब मंच पर स्वागत करता है। दोस्तों ज्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के एंड में एक बार फिर से तफसीली बातचीत करेंगे। दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको सिर्फ दो कारणों से ही पसंद करते हैं, पहला आप कितने कामयाब हो और दूसरा आप कितने सुंदर दिखते हो। और वहीं पर दोस्तों एक शोध के अनुसार आपका हस्ताक्षर आपके आत्मविश्वास से पूरी तरह जुड़ा रहता है। जितना बड़ा आपका हस्ताक्षर होगा आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अधिक होता है। तो दोस्तों क्या आप ऐसी साइकोलॉजी सीखना चाहते हो जो आपके जीवन में हर एक कदम पर आपके काम आने वाली है? जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे गारंटी है आप कहोगे कि यह तो हमारे रियल लाइफ में होता है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो आइए जानते हैं फैक्ट नंबर वन। दोस्तों आप सभी बाजार तो जाते ही होंगे और वहाँ पर दुकान से शॉपिंग भी करते होंगे, तो आप दुकानदार से किसी भी चीज के रेट कैसे कम करा सकते हो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक कपड़े की दुकान में गए और वहाँ पर आपने एक जींस देखी और वह जींस है 5,000 रुपए की। अगर आप उस जींस के रेट कम कराना चाहते हो तो दुकानदार से ये शब्द बोलिए, दोस्त ये आपकी जींस है तो बहुत अच्छी, मुझे ये जींस देखते ही पसंद आ गई थी, पर इसका रेट तो 5,000 रुपए है। अगर इसका रेट 3,000 रुपए होता तो मैं इसे पक्का खरीद लेता। दोस्तों इससे क्या होगा कि दुकानदार साइकोलॉजिकल प्रभाव के कारण आपसे आत्मिक रूप से जुड़ जाएगा और वो सोचेगा कि आपके पास 3,000 रुपए ही होंगे। और दोस्तों अगर दुकानदार को 3,000 रुपए में जींस को बेचकर कुछ थोड़ा भी मुनाफा होगा तो वो आपको उस जींस को 3,000 रुपए में ही दे देगा। दोस्तों कभी इस फैक्ट को ट्राई करके जरूर देखेगा। फैक्ट नंबर टू। दोस्तों आप किसी न किसी के साथ बहस या डिबेट तो जरूर करते होंगे और हो सकता है कि आप लास्ट में हार मानकर बैठ जाते होंगे। वैसे अगर आप किसी ऐसे वाद विवाद को जीतना चाहते हैं तो बहस के दौरान अपनी बातों को जल्दी जल्दी बोलना सीखे। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बढ़ाते हो वैसे ही आपको अपनी बातों की स्पीड बढ़ानी है। इसका पहला फायदा तो यह है कि सामने वाला गलती से भी आपकी स्पीड नहीं पकड़ पाया तो आपकी बातों का उल्टा जवाब दे पाना उसके लिए असंभव हो जाएगा। और इसका दूसरा फायदा यह है कि अगर ये बहस कुछ लोगों के बीच हो रही है तो वहाँ पर मौजूद लोग आपकी तीव्र वाणी से प्रभावित हो जाएंगे और सबकॉन्शियसली वो आपको कॉन्फिडेंट समझ लेंगे। और वैसे भी दोस्तों जो बंदा अपनी बातों पर कॉन्फिडेंट होता है असली विजेता तो वही होता है। फैक्ट नंबर थ्री। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग बिल्कुल दमदार तरीके से करें और लास्ट मतलब एंडिंग भी बिल्कुल सही दमदार तरीके से करें। बीच में अगर आप थोड़ा बड़ा चढ़ा भी देते हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस फैक्ट को मैथ्स के क्वेश्चन में मत लगा देना नहीं तो नंबर जीरो हो जाएंगे। ये फैक्ट काम करेगा हिस्ट्री या फिर सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट पर जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं। और एक बात और, अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो और अगर आपने स्टार्टिंग दमदार कर दी और एंड भी दमदार कर दिया तो आप स्पीच कॉम्पिटिशन जीत जाओगे। क्यों दोस्तों है ना ये अमेजिंग, कभी इस फैक्ट को ट्राई जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर फोर। दोस्तों अगर आपका अपनी पत्नी मम्मी पापा दोस्त या फिर भाई बहन किसी से भी आर्गुमेंट हो गया है मतलब कि विवाद झगड़ा बहस आप इसे कुछ भी कह सकते हो और उसमें आपका पॉइंट कमजोर है तो इस कंडीशन में आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप बंदर बनकर सुनते रहो या फिर सॉरी सॉरी बोलते रहो। और एक तरीका और भी है जिससे आप सॉरी बोले बगैर झगड़े को खत्म कर सकते हो, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और दोस्तों अगर ये आर्गुमेंट आपकी पत्नी के साथ हो रहा है तो वो तीसरा तरीका यह है कि आप अपने पत्नी को बोलो, यार आपने ये साड़ी आज कितने दिन बाद पहनी है, ये तो बहुत ही गजब लग रही है, बस झगड़ा खत्म। बाकी आप लोग समझदार हो, यही तरीका दोस्तों के साथ भी चलता है। जैसे किसी बात को लेकर आपका दोस्त आपको सुना रहा है तो उसे बोलो कि यार आपने उस दिन उस आदमी के साथ क्या बहस की थी, उसकी तो आपने बोलती ही बंद कर दी। बस इतना सुनते ही वो सारे झगड़े भुला देगा, बस आपका कहने का तरीका सही और प्रभावी होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके आर्गुमेंट मम्मी पापा भाई बहन पति या दोस्त इनमें से किसी के साथ भी
होती है, तो एक बार इस फैक्ट को ट्राई करके जरूर देखेगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको सच में हैरान कर देगा। जब हम किसी से हाथ जोड़कर मिलते हैं तो इसका वैज्ञानिक तर्क है कि जब सभी उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है तो एक्यूप्रेशर के कारण उनका सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है, जिसके कारण हम सामने वाले को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि जितना ज्यादा आप पहेलियां सुलझाते हैं आपका दिमाग उतना ही तेज होता जाता है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी पहेली लाए हैं जिसका आंसर आप कमेंट करके जरूर दें। और पहेली यह है कि एक लड़के ने पूछा कि मेरी माँ की माँ के पति के लड़के की लड़की मेरी माँ की कौन हुई। और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी भांजी, ऑप्शन सी भतीजी और ऑप्शन डी पोती। आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देख ली होगी और वीडियो देखने के बाद ये साइकोलॉजिकल का गेम क्या है या साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में काफी कुछ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना अपनों का अपने समाज का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।